सब्सक्राइब करें बी न्यूज को और बेल आइकन दबाएं। गोपाल मनज, मौसम का मिजाज बदलने से जेठ महीने में तपती गर्मी की जगह मौसम सुहावना बन गया। बुधवार की रात शुरू हुई बारिश गुरुवार को भी पूरे दिन होती रही। ज्येष्ठ माह में भादों की तरफ बारिश होने से शहर के कई मोहल्ले की सड़कें जलमग्न हो गईं। जिले के कस्बाई बाजारों में कीचड़ और जल जमाव के कारण सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया। इस बीच बारिश के साथ कई इलाकों में आंधी भी चली। इस आंधी में थावे दुर्गा मंदिर परिसर स्थित कई दुकानों के छप्पर उड़ गए। आंधी बारिश से दहनी के लिए काटकर खेत में रखे गए गेहूं के बोझों को भी सड़ने की आशंका से किसानों की चिंता बढ़ गई है। बारिश से सब्जी की फसलों पर भी व्यापक असर पड़ा है। हालांकि इस बारिश से गन्ना की फसल को काफी फायदा पहुंचेगा। बेलही में मारपीट में दो लोग घायल। यह भी पढ़ें, जेठ महीना भीषण गर्मी के लिए जाना जाता है। इस महीने लू और तपिश से लोगों को घरों से निकलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन इस बार मौसम का मिजाज कुछ बदला बदला सा है। जेठ महीना शुरू होने के साथ ही आसमान में बादल उमड़ने लगे, हवाओं में नमी बनी रही। इस बीच बुधवार की रात अचानक आसमान में बादल छा गए, देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई। बारिश गुरुवार को भी पूरे दिन जारी रही, कभी तेज तो कभी रुक रुक कर बारिश होती रही। इस बीच आसमान में बादल छाए रहे, दोपहर बाद ही शाम का नजारा दिखने लगा। इस बारिश ने जेठ माह में भादों का एहसास करा दिया। शहर की कई मोहल्ले की सड़कें जलमग्न हो गई। शहर के वार्ड 22 में सड़कों पर जल जमाव से लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया। इंद्रपुरी मोहल्ला सहित अधिकांश मोहल्ले में जल जमाव तथा कीचड़ से राहगीरों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। शहर में मज स्टेडियम पर झील में तब्दील हो गया। शहर के राजेंद्र बस स्टैंड में जल जमाव से यात्रियों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। हालांकि गेहूं की कटनी का काम पूरा जाने से किसान बर्बादी से बच गए, लेकिन खेत में काटकर दवनी के लिए रखे गए गेहूं के बोझे के भीग जाने से उसके सड़ने की आशंका से किसानों की चिंता बढ़ गई है। इस बारिश से सब्जी की फसल पर भी व्यापक असर पड़ा है। खेत में जल जमाव के कारण बैगन, ननुआ, लौकी सहित अन्य फसलों के बर्बाद होने की आशंका उत्पन्न हो गई है। हालांकि इस बारिश गन्ना की फसल को काफी लाभ पहुंचेगा। सिपाया कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के अनुसार जिले में गेहूं व तिलहन की फसल की कटनी हो चुकी है। इस समय खेत में गन्ना की फसल है। इस बारिश से गन्ना की फसल को काफी लाभ होगा। इनसेट